हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट डे हमने जो प्लानिंग किया था निफ्टी के अंदर, हम लोग यहाँ से और यहाँ से दो जोन से लॉन्ग जाने वाले थे और इस जोन के नीचे हम लोग शॉर्ट जाने वाले थे। लेकिन ग्लोबल मार्केट सिनेरियो बहुत ही अच्छा लॉन्ग मूव में था और बुलिशनेस दिखा रहा था, उसकी वजह से निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और बहुत अच्छा सा अप मूवमेंट दिया। उसके बाद वो इस जोन में थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, एक कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट पर हमारा एंट्री बनता था। लेकिन सेम इसी पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने भी अच्छा सा मूव दिया था। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो हमारा बैंक निफ्टी में प्लानिंग था वो इस जोन के ऊपर लॉन्ग जाने का प्लानिंग था। बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक स्ट्रेट मूवमेंट रहा और उसके बाद इसने एक डीप दिया, फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ उसमें हमारा एंट्री का चांस बन रहा था। यहाँ पे जो बुलिश कन्फर्मेशन इसने दिया, उस कन्फर्मेशन के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री लिया और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था। हमारा पहला टारगेट ये वाला था जो कि एक कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस था, वो इजीली अचीव होने के बाद हमें दूसरा टारगेट ये भी बहुत अच्छे से अचीव हो गया। वैसे तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो ये बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम था और अच्छे से ट्रेड मिले थे दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी कोई शॉर्ट का चांसेस नहीं मिला था, सिर्फ लॉन्ग का चांस मिला था और वो ट्रेड भी बहुत अच्छा रहा था। तो अब हम लोग मंडे का प्लानिंग अगर देखते हैं, पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी अभी तो एक फ्लैट मोमेंटम कह सकते हैं। जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है वो 18,900 के ऊपर हुआ है, जो हमारा निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग है वो इसके करीबन 90 पॉइंट डाउन है, तो ऑलमोस्ट इसको फ्लैट कह सकते हैं या फिर अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और अगर डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स के अंदर भी अभी एक थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम आया है, इसने यहाँ पे ओपनिंग किया था, गैप अप ओपनिंग के बाद एक फॉल आया और उसके बाद फिर से राइज हुआ, पर अल्टरनेटिवली वो एक बेरिश सेशन रहा था करीबन 270 पॉइंट का। तो अभी हम लोग को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये भी एक सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से भी ये बैक मारने का चांसेस ज़्यादा है, यहाँ से इसमें लॉन्ग जाने का चांसेस ज़्यादा है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हम लोग एक बार वीकली देख लेते हैं। अगर वीकली देखते हैं तो वाह, व्हाट अ बुलिशनेस, इसने ऑलमोस्ट अपना हाई ब्रेक करने का ट्राई कर लिया है, ये उसका हाई है, अगर ये हाई ब्रेक कर लेगा तो बहुत ऊपर जाने का संभावना है। और अगर इसका हम लोग एक लो मार्क करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग इसमें जो देख पा रहे हैं एक रिजेक्शन आया था वीकली रेजिस्टेंस से, उसके बाद ये अच्छा सा बुलिशनेस दिया हुआ है। अब अगर कल के सेशन में इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये फिर से अगला वीक पूरा बिल बुलिश कर देगा। अगर वन डे में इसको देखेंगे तो वन डे में भी सेम है, यहाँ से उसको जो 2 बार रिजेक्शन मिला था इस जोन से, अब उसका उसने ब्रेकआउट ले लिया है और अब ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसका ब्रेकआउट अच्छे से दिया हुआ है। अगर यहाँ पे फिर से ये रिट्रेसमेंट होता है इस जोन के ऊपर तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग का चांस मिल सकता है। अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये जो एक जोन बन रहा है ना, इस जोन के ऊपर हमें कहीं पे भी
अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्लानिंग करेंगे लॉन्ग जाने का, ये हमारा फर्स्ट प्लान रहेगा। पहला टारगेट लास्ट डे हाई रहेगा और दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमारा इतना स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 और 1:2 का हम लोग टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा, थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, लेकिन अगर अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं शॉर्ट जाने के लिए। ये वाले लेवल अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये जो एक कंसोलिडेशन है वो, और ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा निफ्टी का सेटअप मंडे के लिए रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले 1 वीक देखते हैं वीकली। देखो वीकली में भी बैंक निफ्टी अभी क्या है, टॉप हाई पे चल रहा है और एक कंसोलिडेशन जोन में है। इसको हम एक फ्लैट मोमेंटम कह सकते हैं। अगर उसको उसी डेली में देखा जाए तो भी एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। जब तक ये उसको ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग इसको बुलिश नहीं कह सकते, अभी भी ये फ्लैट मोमेंटम में है। और अगर इसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, 1 आवर में, तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। और इसका जो एक जोन निकल के आ रहा है छोटा सा, वो ये वाला जोन है। तो अगर इसके नीचे यहाँ पे बेरिशनेस कुछ दिखाई देती है तो इसके नीचे हम लोग यहाँ पे इतना सा शॉर्ट करके इतना टारगेट ले सकते हैं। ये पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। यहाँ पे कहीं पे भी हमें अगर कोई बुलिश मोमेंट दिखाई देती है तो हम लोग यहाँ पे क्विट कर देंगे। और अगर ट्रायल करना है तो हम लोग यहाँ तक ट्रायल कर सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो फिर पूरा हमें यहाँ पे 660 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रायल करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री और टारगेट प्लान करेंगे। और अगर हमें लॉन्ग जाना है तो अभी भी यही लेवल रहेगा, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 1:1 और 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। तो यही बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप रहेगा। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में अभी जो लेवल चल रहा है 18,850, उस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। 18,800 के ऊपर अगर सपोर्ट देखा जाए तो बहुत हैवी सपोर्ट है, 93.3 लाख पुट साइड ओवर डेवलप हुआ है। और अगर यहाँ पे 18,900 की बात करें तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है 46.8 का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे 18,800 का, और 18,700 का उससे भी ज़्यादा हैवी सपोर्ट है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस इतना पावरफुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन चेन है वो थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 44,000 मतलब 44,000 का है, ये वाला एक जोन। तो इस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से मूवमेंट दे सकता है। अगर नीचे की साइड बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप हो रहा है 43900 43800 पे। तो हम लोग बैंक निफ्टी में दोनों साइड का मूव प्राइस एक्शन के हिसाब से कैप्चर कर सकते हैं। और शायद बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट वीक में अच्छा सा बुलिशनेस देख सकते हैं। तो हमारा मंडे का यही प्लानिंग रहेगा। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।